जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर देखिएगा एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई एंड ईएसआई के लिए जो वैकेंसी आएगा उससे संबंधित न्यूज़पेपर में जो है वो खबर प्रकाशित हुई है। इसको लेकर के आप जो तैयारी करना चाह रहे हैं बिल्कुल आप तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा अखबार में लिखा है वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें लिखा है, बताया गया है कि लोकसभा चुनाव यानी इलेक्शन के रिजल्ट के 4 जून के बाद में इसके लिए नोटिफिकेशन निकलेगा। ठीक है, अब देखिएगा सब इंस्पेक्टर के लिए 700 रहने वाला है एंड एएसआई के लिए 350 पद रहने वाले हैं। इसमें सिलेबस क्या रहता है वो सारी चीजें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा वीडियो में, तो एक बार आप देख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एएसआई के लिए काफी अच्छे पद है, 750 जो है 700 और 350। ठीक है, ये देखिएगा, ये जो दो कटिंग है वो न्यूज़पेपर की है जो मेरे पास में आई है, इनको आप एक बार देख लेंगे तो आपको एकदम जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या क्या लिखा गया है इस न्यूज़पेपर में, तो पूरी बातें आपको जो है वो जानने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं या इस वाले न्यूज़पेपर को यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ देखिए, साफ साफ शायद आपको ना दिखेगा क्योंकि खुद मुझे ही जो है इसे पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, लेकिन इसका हेडिंग जो है वो टाइटल है वो तो आप ऑलरेडी आप देख ही पा रहे होंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि भोपाल का ये न्यूज़पेपर है और इसमें लिखा क्या है वो आप देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि काफ़ी टाइम के बाद में जो है ये भर्ती देखने को मिली है, लोकसभा चुनाव के बाद जारी होगा नोटिफिकेशन एंड मध्य प्रदेश में 7 साल बाद होगी 700 से अधिक पदों पर सब इंस्पेक्टर और 350 पदों पर एएसआई यानी सूबेदार की भर्ती। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी भर्ती है। एक्चुअल में देखिएगा अभी तक इसमें बताया गया कि इसमें अभी तक जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, बेसिकली ये इसमें पूरी बात लिखी गई है कि इसका जो एग्ज़ाम कराने का जो तरीका था वो अब जैसे पीएससी होता है ना वैसे ही जो है वो सब इंस्पेक्टर का कराने का ये योजना बना रहे थे, लेकिन अभी तक वो योजना जो बन नहीं पाई है और ये चाहते हैं कि नए सिलेबस के आधार पर ही इसका एग्ज़ाम जो है वो कराया जाए। तो वैसे ही मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, ये देख सकते हैं, मैं एक बार इसे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, देखिएगा चयन मंडल के द्वारा हाल ही में 2024 की 9 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया। बिल्कुल आपने देख लिया होगा उस जो कैलेंडर आया है उसमें 9 भर्तियों के बारे में जिक्र है, लेकिन एसआई और ईएसआई के बारे में नहीं है, किंतु इसमें गृह विभाग की किसी भी भर्ती को शामिल नहीं किया गया। आपको पता होगा कि जो पुलिस होता है, पुलिस डिपार्टमेंट, ये गृह विभाग के अंदर आता है। ठीक है, और लोकसभा चुनाव के बाद पीएचक्यू बोर्ड द्वारा के साथ इंस्पेक्टर एंड जो है सब इंस्पेक्टर एंड एएसआई सूबेदार की डिमांड जो है वो काफ़ी जो है और भेजी जा चुकी है कि भाई इसके लिए जो है आप आराम से कि 700 पदों पर सब इंस्पेक्टर एंड 350 पदों पर एएसआई के लिए नोटिफिकेशन निकालिएगा। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी एएसआई के लिए डिमांड जो भेजी गई है, किंतु अधूरे नियमों के चलते, क्योंकि इस पर नियम नहीं बनाए, क्योंकि नए सिलेबस के आधार पर ये पेपर करवाना चाह रहे थे। आगे देखिएगा, भर्ती को पूरा नहीं कराया जा सका। आगे लिखा है, वहीं सूबेदार की परीक्षा पैटर्न और नियमावली से संबंधित जीओपी पहले से ही जो वो मंडल को भेजी जा चुकी है। अब यह एग्जाम पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर आधारित होगा और एएसआई के, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो बता रहे हैं कि जो एएसआई का जो पेपर है वो पुलिस कांस्टेबल जैसा एग्जाम है वैसे उसी सिलेबस पर आधारित होगा, लेकिन एएसआई का जो एग्जाम होगा वो पीएससी की तर्ज पर कराया जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा जो पीएससी की तर्ज पर कराने की बात हो रही है उसी को लेकर के ये भर्ती थोड़ा डिले हो रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही भर्तियों के लिए जीओपी और जो है 700 और 350 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये जब कब किया जाएगा पता है ना जी, ये किया जाएगा 4 जून यानी कि रिजल्ट घोषित होने के बाद में। इसके अलावा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी किए गए 2024 के शेड्यूल को लेकर के भी बेरोजगार युवाओं में बहुत आक्रोश है। उनका कहना है कि इसमें उन भर्तियों को भी शामिल नहीं किया गया जो पिछले 7 साल से नहीं आई है। ये जो 9 भर्ती निकली है ना वो उसके बारे में बता रहा है। लगातार ईएसपी के संपर्क करने के बाद में यह पता चला कि लोकसभा चुनाव के अर्थात जून में एक बार और कैलेंडर जो है वो दोबारा से रिवाइज्ड कैलेंडर जारी किया जाएगा एंड नई भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया जा सकता है। अभी मौजूदा कैलेंडर में चार एंट्रेंस टेस्ट, एक सिलेक्शन टेस्ट और अन्य भर्ती शामिल है जिसका संदर्भ सीधे सरकारी नौकरी से है। संशोधित जो आएगा कैलेंडर, अब जो नया कैलेंडर आएगा, संशोधित कैलेंडर में महिला पर्यवेक्षक एंड आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर एसआई का जो पेपर, जो एक सिलेबस होगा वो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल जैसा होगा, लेकिन एसआई का जो होगा वो पीएससी जैसा होगा। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे अगर यूपी का होता है तो यूपी
PSCO हो जाता है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे SDM या फिर डिप्टी जेलर या फिर सुपरिटेंडेंट जो होम गार्ड डिपार्टमेंट के बड़े उच्च अधिकारी जाते हैं वो PSCO होता है, वो यूपी PSCO होता है, तो ये भी MP PSCO होता है। तो SI का पेपर यहाँ पर इस तरह से कराने वाले हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी आपका जो ध्यान है वो भटकाना चाहूँगा। देखिए यूपी के अंदर आपको पता है ना जी, यूपी का जो पेपर होता है वो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक पेपर होता है और एक ही पेपर के बाद फिजिकल आप डायरेक्टली जो है सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। अब आप देखिए सब इंस्पेक्टर बनने के लिए PSC का सिलेबस एक बड़ा सिलेबस होता है, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में उसमें भी दो एग्जाम होते हैं, कितना बड़ा दिक्कत हो जाएगा, यस और नो। तो देख सकते हैं इसीलिए अभी मौका है, कहीं ऐसा ना हो कि यूपी में भी MP जैसा ही हाल हो जाए सब इंस्पेक्टर के लिए। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि आराम से आप भाई थोड़ा पढ़ाई करिएगा। अब देखिएगा 350 और 700 अच्छे पद हैं, इनकी तैयारी करिएगा, इनका नोटिफिकेशन पूरा नोटिफिकेशन आएगा 4 जून के बाद में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।